आप लोग सोच रहे हैं ये आज कहाँ जाने वाला है। तो गाइस आप लोगों को मैं पहले बता दूं कि यार आज आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मैंने पहले तो थंबनेल देख लिया, ठीक है, क्या होने वाला है। तो गाइस यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो हम लोग जाने के लिए 1.5 घंटा लगेगा क्योंकि हम लोग सुपर बाइक से जाएंगे और आप लोगों को सुपर बाइक भी दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलो सुपर बाइक के पास पूरा वहाँ ही निकालते हैं। देखो सुपर बाइक मेरा इधर देखो क्या सुपर बाइक है, ठीक है। तो लॉकडाउन खोलने की बात सबसे पहले मैं आज लोकल ट्रेन से जर्नी करने वाला हूँ, तो चलो अंदर चलते हैं। सुपर बाइक इधर शीशा लगा हुआ है, आप लोग बोलोगे यार शीशा नहीं है तो आप लोगों का ये मर्जी, ठीक है। और इधर देखो एसी लगा हुआ है, ठीक है, एसी है, ऊपर एसी है, ठीक है। बहुत ही महंगा कार है, ठीक है, फैन तो है हम लोगों के लिए। और इधर भी देखो शीशा लगा हुआ है, दूर में आप लोग बाहर का मजा ले सकते हैं। फिलहाल मैं दुनिया की सबसे महंगी कारों के अंदर बैठा हूँ और मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। ऑलराइट, तो गाइस हम लोग अभी एयरपोर्ट के अंदर हूँ, आ जा। तो गाइस अभी चलते हैं बाहर, एंड BMW बाहर खड़ा है, एंड BMW के पास चलते हैं। तो गाइस हम लोगों ने इतना जर्नी करने के बाद तो फाइनली गाइज हम लोग आ चुके हैं। तो गाइज आप लोग फुल वीडियो देखो और गाइज आप लोगों को मजा आएगा, तो प्लीज़ चैनल को यार सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा तो डिसलाइक कर देना चैनल। तो गाइज आप लोग उधर देखो यार, ठीक है, जो हवेली पे हम लोग आना चाहते थे उधर है, देखो इधर है, उधर भी हम लोग जाएंगे, ठीक है, सब कुछ दिखाएंगे वीडियो में, आप लोग बने रहेंगे। जाने का रास्ता तो गाइस ये है एंट्री, ठीक है। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी देखने को मिल जाएगा, प्लीज यार चैनल में आप लोग वीडियो देखते रहिए, ठीक है। तो गाइस ये है 2000 साल का पुराना, क्या जब से हम लोगों का जो महाभारत है आप लोगों ने देखा, ये जो है हिस्ट्री है महाभारत का भी, ठीक है। तो अब मैंने नेट में खुद पढ़ा हूँ कि इसका जो हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो आप लोग देखो, मैं हिस्ट्री भी आप लोगों को बताऊंगा वीडियो में, इसका कहानी क्या है, ठीक है। तो चलो वीडियो आप लोग देखो। आज से प्राय 4000 साल पहले बंदन नगर जो ताम्रलिप्त मतलब तुमलुक का जन्म हुआ था। सम्राट अशोक पुत्र महेंद्र एंड उसकी जो कन्या है संघमित्र बौद्ध धर्म प्रचार करने के लिए यहां से सिंहल यात्रा किया। तो गाइस अभी जो है हम लोग अंदर चलते हैं एंड देखते हैं। तो गाइस अंदर देखो, ये सब जो है बड़ा बड़ा रूम है, आप लोग देख सकते हैं। और इधर आप लोग देखो, ये जो है राजा का देखने को आप लोगों को मिल जाएगा इधर। और उधर देखो राजा सुरेंद्र नारायण और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है मूर्ति बना हुआ है इधर, ठीक है। तो गाइस अंदर इधर चलते हैं, ये देखो आप लोग, तो ये है गाइस और एक रूम अंदर, ये भी आप लोगों को देखने मिल जाएगा, ठीक है। इधर जो है ब्लॉक कर दिया, और चल बाहर चल, कुछ नहीं है अंदर। क्या हो गया भाई, जब से हम निकल रहे थे तो गिर गए इधर, ठीक है। ऐसा होता है गाइस, क्या करें, वीडियो तो बनाना पड़ता है, और ऐसा तो बहुत बार हम लोगों को हुआ। तो गाइस आप लोग यार ऊपर देखो क्या नजारा है, देखो ये राजबाड़ी 2500 साल का पुराना है, और ताम्रलिप्त राजबाड़ी
स्थापन किया था राजा मयूर ध्वज ने। गीता कुरान महाभारत में इस राजा का उल्लेख है। सबसे प्राचीन राजबाड़ी है ताम्रलिप्त राजबाड़ी। देखो आप लोग और एक चीज़ देखो, देखो नीचे जो है, देखो मुझे मालूम नहीं है ये क्या है, ठीक है। तो गाइस देखो नीचे, देखो आप लोग देखो पाताल ना क्या है राजा का उस टाइम का, मतलब क्या प्लान था मुझे भी ठीक से मालूम नहीं, ठीक है। तो इसके बारे में तो मालूम नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा अंदर जाने का। तो उसके बाद तो आप लोग आगे फुल इधर देख लो, फिर हम लोग अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस आप लोग यार डिज़ाइन देखो कैसे लग रहा है, ठीक है। राजवंशों का पहली पांच राजों का नाम है राजा मयूरध्वज, राजा ताम्रध्वज, राजा हंसध्वज, राजा गरुध्वज, राजा विद्याधर राय। इटली से आठ मिस्त्री आके निर्माण किया था जो अभी भी अटूट है। ये इधर एक है रूम, और ये जो जगह है आप लोग देखो, ये जो है बहुत ही, मतलब देखो ऐसे लग रहा है कि इधर जो है राजा का जो स्वभाव बैठता था ना, तो ऐसे लग रहा होगा, ठीक है, ऐसे ही लगता है। महाभारत बोल रहा है ताम्रलिप्त राजा ताम्रध्वज कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव का साथ दिया था, और पांडव का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ के कृष्ण अर्जुन को युद्ध में पराजित किया था, और यही राजप्रसाद में द्रौपदी का भी शोभा भी हुआ था। हम लोगों ने नीचे भी आ गए हैं, ठीक है। तो इधर देखो क्या सुरंग है, ठीक है, मुझे तो नहीं पता, और बहुत ही अंधेरा है, देखो गाइस आप लोग, ठीक है। और अंदर जो है मुझे तो डर लग रहा है, तो मैं अंदर नहीं जाऊंगा, और पता नहीं है यार ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं थोड़ा अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, और भाई फ्लैश थोड़ा उनका कितना दिमाग है, ठीक है, ये वो किस लिए बनाया था, ठीक है, तो मुझे भी ठीक से मालूम नहीं। देखो सुरंग है, देखो ये शायद नहीं, कुछ भी नहीं है, खामोखा मैं डर रहा था। इधर भी देखो जाने का इधर है, ठीक है, शायद ऐसा भी हो सकता है इसके नीचे से पानी जाने का रास्ता, ठीक है, कुछ भी हो सकता है गाइस, ठीक से मुझे मालूम नहीं। और अभी जो है देखो उधर ब्लॉक कर दिया, और यहाँ पर देखो लोगों ने सब डस्टबिन बना दिया इस जगह को, ठीक है। 1948 साल में जब कांग्रेस का सभापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस तुमलुक में आया था सभा करने के लिए, घर से किसी ने उसको जायगा नहीं दिया था सभा करने के लिए। फिर राजा सुरेंद्र नारायण राय उसके बगीचा में पेड़ काट के उसको शोभा करने के लिए जायगा दिया था, तब से उसका शरण में ये मूर्ति बनाया है जो आपको पहले ही मैंने दिखाया। ऐसे ही अलौकिक कहानी इस राजबाड़ी में अभी भी छुपा है। तो ये देखो हमारा दोस्त आ गया, क्या बोलते हो भाई साहब, ओ भाई हो क्या कर रहे हो। तो गाइस हम लोगों को उधर से भागना पड़ा, क्योंकि यार अचानक से मौसम, क्या कर रहे तू, अबे मैं उधर वीडियो बना रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, गेम बंद कर पहले पहले तो गाइस मौसम ठीक ही था पहले, ठीक है, और बाद में जो है मौसम बिगड़ चुका था, और बहुत जोर यार गाइस बारिश आ चुका था, और वहाँ से हम लोग को भागना पड़ा। तो गाइस वीडियो पूरा कंप्लीट है, हम लोग फुल वीडियो देखा, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि यार आपका ही चैनल है। और इधर देखो हमारा जॉनी भाई बैठा है, जॉनी भाई बैठा भाई को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना, कमेंट भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।